Line में आना line में line में line line में आना सर आप वोट करने आए हैं क्या इश्यूज थे दिमाग में और क्या अपील करना चाहेंगे मेरी इश्यूज ये दिमाग में थे कि मैं जिसको वोट डालूं वो मेरा एक हेल्दी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ जाए और वो कौम की खिदमत करे लोगों की खिदमत करे लेकिन जो मैंने पहले भी बताया विडम्बना है कि मेरा जो सीक्रेट बैलेट है ये सीक्रेट नहीं रहता है कि जमहूरियत है यहाँ पे जो जमहूरी मुल्क है हमारा मेरा सीक्रेट बैलेट सीक्रेट रहना चाहिए जिस तरह मैंने अभी वोट डाला ये सीक्रेट रहा लेकिन जब मेरा वोट वहाँ काउंट किया जाएगा ये सीक्रेट नहीं रहता एक्सपोज हो जाता है तो आप चाहते हैं कि आपके जो वोट है वो आम पब्लिक में मिक्स किए जाए आम पब्लिक में मिक्स किए जाए और सीक्रेट बैलेट रहे जिसका नाम ही है सीक्रेट बैलेट इसका माइग्रेंटों का एक्सपोज बैलेट नहीं रहना चाहिए एक्सपोज वोट नहीं रहना चाहिए ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और सीक्रेट में और मर्ज होना चाहिए और घर वापसी के लिए हम बेकरार हैं कि जिस वक्त भी हमें ये लेना चाहते हैं इज्जत से हम इज्जत से वापस जाना चाहते हैं जो चल रही हैं होम शाले बुक हो रही है इसका दिलसर मुकाम का वोट है सो मैं ये एक ही अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो भी यहाँ पर वोटर हमारे बहुत हैं कश्मीरी पंडित मरे नहीं हैं वोट बहुत है हमारे पास लेकिन उन्होंने वोट कम कर दिया ये पता नहीं क्या बात है जब मैंने पहले भी कहा चुका आज भी क्या कहता हूँ मैं एम फार्म ख़त्म होना चाहिए वोटर कार्ड जो हमारे पास है वही हमारी आइडेंटिटी है वही हमारा कश्मीरी आइडेंटिटी है कि हम कश्मीर के रहने वाले हैं अच्छा अब एम फार्म क्या है कुछ भी नहीं है इसमें कोई इंक्लूजन करो या कुछ करो वो चलो छोड़ो अच्छा जब भी हमारा जहाँ वहाँ से वोट आया सपोज़ नाम है किसी का श्यामलाल डार उसको लिखा है श्यामलाल डार जोजे लिखा कुछ और यही प्रॉब्लम हमारी दिन ब दिन आती है मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई एम फार्म जितने भी हैं वो कैंसिल किया जाए और हमारा वोटर आई कार्ड जो हमारा है एज पर अगर उस पर चलेंगे हमारे सारे वोट बहुत यहाँ पर है आज अनंतनाग का सेकंड फेज का जो इलेक्शन है और आज जगती में फिर से जो है अपना देशभक्त समाज मैं इतना ही कहूँगा कि हर एक कश्मीरी पंडित को प्यार है कश्मीर से लगन है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग जो है वोटिंग के लिए आ रहे हैं केवल सिर्फ जिनको इसलिए कि उनको कश्मीर से प्यार है लेकिन आज आप देखिए कि किस प्रकार से पिछले आप श्रीनगर के इलेक्शन लीजिए या फर्स्ट वीक जब हुआ अनंतनाग का तो एम फॉर्म की वजह से जो है
कई लोग जो है इनके परिवार में 8-8 सदस्य है, उनका एक नाम है। अगर किसी का नाम है तो उसका डॉटर ऑफ अलग किया है, किसी का फादर ऑफ अलग किया गया है। तो रिक्वेस्ट इतनी है हमारे इस गवर्नमेंट से कि असेंबली चुनाव जो होंगे, असेंबली चुनाव में कम से कम जो है, अगर ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है देशभक्त समाज है, हम तो विस्थापन हैं, लेकिन इस विस्थापन में भी हम अपने कश्मीर से प्यार करते हैं। और बेशक कोई भी नुमाइंदा हो, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का भी नुमाइंदा हो, जिसको भी कोई वोट कर रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से जो है, और ये यहाँ पे जो है मतलब इतना खर्चा हो रहा है, सिक्योरिटी पे हो रहा है, इतना इलेक्शंस पे कितना खर्चा हो रहा है, कम से कम जो है यहाँ के लोगों के ऊपर जो बेचारे ये बुजुर्ग लोग हैं जिनको प्यार है, जिनको जिन नौजवानों को प्यार है कश्मीर के साथ, उनके लिए भी कम से कम एक सुविधा रखी दी जाए। नहीं तो असेंबली इलेक्शंस में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, कोई भी वोटिंग नहीं होगी असेंबली में, और हम अपनी तरफ से जो है जब तक एम फॉर्म जो ये प्रतिक्रिया ये खत्म नहीं करते हैं तो असेंबली में जो है कम से कम हमारा कश्मीरी पंडित यूथ जो है वोट नहीं डालेगा। आज अनंतनाग का सेकंड फेज का जो इलेक्शन है और आज जगती में फिर से जो है अपना देशभक्त समाज, मैं इतना ही कहूँगा कि हर एक कश्मीरी पंडित को प्यार है, कश्मीर से लगन है, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो है वोटिंग के लिए आ रहे हैं, केवल सिर्फ जिनको इसलिए कि उनको कश्मीर से प्यार है। लेकिन आज आप देखिए कि किस प्रकार से, पिछले आप श्रीनगर के इलेक्शन लीजिए या फर्स्ट वीक जब हुआ अनंतनाग का, तो एम फॉर्म की वजह से जो है कई लोग जो है इनके परिवार में 8-8 सदस्य है, उनका एक नाम है। अगर किसी का नाम है तो उसका डॉटर ऑफ अलग किया है, किसी का फादर ऑफ अलग किया गया है। तो रिक्वेस्ट इतनी है हमारे इस गवर्नमेंट से कि असेंबली चुनाव जो होंगे, असेंबली चुनाव में कम से कम जो है, अगर ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है देशभक्त समाज है, हम तो विस्थापन हैं, लेकिन इस विस्थापन में भी हम अपने कश्मीर से प्यार करते हैं। और बेशक कोई भी नुमाइंदा हो, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का भी नुमाइंदा हो, जिसको भी कोई वोट कर रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से जो है, और ये यहाँ पे जो है मतलब इतना खर्चा हो रहा है, सिक्योरिटी पे हो रहा है, इतना इलेक्शंस पे कितना खर्चा हो रहा है, कम से कम जो है यहाँ के लोगों के ऊपर जो बेचारे ये बुजुर्ग लोग हैं जिनको प्यार है, जिनको जिन नौजवानों को प्यार है कश्मीर के साथ, उनके लिए भी कम से कम एक सुविधा रखी दी जाए। नहीं तो असेंबली इलेक्शंस में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, कोई भी वोटिंग नहीं होगी असेंबली में, और हम अपनी तरफ से जो है जब तक एम फॉर्म जो ये प्रतिक्रिया ये खत्म नहीं करते हैं तो असेंबली में जो है कम से कम हमारा कश्मीरी पंडित यूथ जो है वोट नहीं डालेगा।